भारत और चीन के बीच इस वक्त जो सूरत हाल बने हुए हैं, खास करके अगर हम पूर्वी लद्दाख की बात करें, सिक्किम में बात करें, वैसे आमतौर पर हर साल स्प्रिंग के बाद, अप्रैल महीने के बाद ऐसे ट्रांसग्रेशन की खबरें आती हैं, लेकिन इस दफा मामला बेहद गंभीर नजर आ रहा है। और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ ही जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख के साथ भी मुलाकात की है। आज से आर्मी कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उसकी भी शुरुआत हुई। हालांकि ये भी आपको बता दें कि ये एक शेड्यूल्ड कॉन्फ्रेंस है, ऐसा नहीं है कि इन हालातों के मद्देनजर अचानक से आपातकालीन कोई बैठक इसमें ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। लेकिन इन तमाम मसलों को हम कैसे देखें, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा साहब, जो कि इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के GOC रह चुके हैं, और जो उरी के हमले हुए थे उसमें जो जवाबी कार्रवाई हुई थी भारत की तरफ से, तब वो उसके रणनीतिकार भी थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका चंडीगढ़ से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अगर मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर सकूं, क्योंकि इस वक्त हम बहुत मल्टीपल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम नाथुला की बात कर रहे हैं, पैंगोंग सौ में देख रहे हैं हालात, गालवान वैली की देख रहे हैं, हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, क्या ये सारे के सारे वाक्य आपको आइसोलेटेड नजर आते हैं, या जिसे कहते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स और ज्वाइंट इवेंट्स के तौर पर देख रहे हैं आप, अगर आप आपको थोड़ा समझा सके सर? तो हालांकि ये जो जितने इंसिडेंट्स हुए हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में हुए हैं, ईस्टर्न लद्दाख में तीन या चार जगह जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पर जो हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन, मतलब चाइनीज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर कर हमारी तरफ काफ़ी नफरी में आ चुके हैं। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम में नकुला में एक ट्रांसग्रेशन हुआ था जिसमें कुछ झड़प भी हुई थी और कुछ सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। एक तरह जैसे आपने बोला, देख सकते हैं कि ये तो सब अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, अलग अलग जगह पर हैं, बट जिस तरह से जिस कोऑर्डिनेटेड तरीके से नकुला में भी और खासकर ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरह से काफ़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से PLA के सोल्जर्स काफ़ी तादाद में और इंकर्शन किया है उन्होंने हमारे एरियाज में, तो ये आइसोलेटेड नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड मूव है PLA की। और मेरे मानना ये है कि इसका मकसद यही है कि भारत पर किस तरह से दबाव डाला जाए। ये अब बात कर रहे हैं आप सर, और दर्शकों से माफी चाहूंगी, शायद मैंने नाथुला कह दिया, नाथुला की जगह शुरुआत में। आप कह रहे हैं कि ये संगठित नजर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड नजर आ रहे हैं, तो जो आमतौर पर हर साल, हालांकि हमने देखा था जो स्टैंड ऑफ हुए थे इसके पहले 73 दिनों का भी स्टैंड ऑफ 2017 में देखने को मिला था, या समर टाइम जो पेट्रोलिंग रश होती है दोनों तरफ से, क्योंकि उस पर बर्फ नहीं होता है, पेट्रोलिंग ज्यादा होती है दोनों ओर से, ये उस तरह से आप इस इंसिडेंट को नहीं देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने बताया, समर्स में खासकर जब बर्फ पिघल जाती है तो उस समय पेट्रोलिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है दोनों साइड से, क्योंकि उस समय फिर LAC तक जाना, पेट्रोलिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि समर्स में ट्रांसग्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो हम इंसिडेंट देख रहे हैं इसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो जो पेट्रोलिंग आमतौर पर होती है उसकी नफरी 30-40 लोगों की होती है, इससे ज़्यादा पेट्रोल्स नहीं आते, और ज़्यादातर पेट्रोलिंग जो स्टैंड ऑफ वगैरह देखते हैं वो डिस्प्यूटेड एरियाज कुछ हैं, जहाँ पर LAC का परसेप्शन दोनों साइड्स के बीच में उसका डिफरेंस है परसेप्शन का, उन एरियाज में जैसे पेंगोंग सौ एक एरिया है जहाँ कुछ डिफरिंग परसेप्शन हैं। पर जिस तरह से अभी गलवान नदी की बात हो रही है, हॉट स्प्रिंग्स के एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर कोई LAC का डिफरेंस परसेप्शन में नहीं है, और इन एरियाज में PLA ट्रूप्स का आना, यहाँ पहले कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और जिस नफरी में वो आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, अभी मैं नंबर्स का स्पेकुलेशन नहीं करता, बहुत सारे लोग नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 5,000 से 10,000 तक की बात की जा रही है रिपोर्ट्स में। देखिए, इतना इतना हमारे LAC के हमारी तरफ नहीं हो सकते, इलाका है, हाईल्टीट्यूड इलाका है, तो इतने सारे लोगों को अंदर आना थोड़ा मुश्किल है। जो जमीनी हालत है, पतले पतले नाले हैं उन एरियाज में,
उसमें इतने सारे लोगों को आना मुमकिन नहीं है। हो सकता है जो नंबर्स की बात कर रहे हैं वो पीछे उनके गैरिसन्स में जो है रिजर्व्स वगैरह हैं, अपने साइड में भी हैं, वो टोटल नंबर्स हैं। तो ये नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं है, और जो नॉर्मल पेट्रोल्स जब आते हैं तब अपना पेट्रोलिंग करके वापस चले जाते हैं। इस तरह से आकर और कैंप्स बनाना, टेंट्स लगा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देना, कुछ बात ये भी है कि बंकर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो सर, दोनों मुल्कों के बीच में वैसे कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं बॉर्डर डिफेंस को लेकर, ताकि शांति जो है वहां पे बनी रहे कम से कम एलएसी पे, जब तक कि पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाता ये बाउंड्री डिस्प्यूट। ये जो आमतौर पर जब ट्रांसग्रेशंस होते हैं तो काफी हमें सुनने को मिलता है कि ये लोकल कमांडर लेवल पर हो रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर कमांडर स्टेशन है उसकी तरफ से शायद कुछ ऐसी बात हो गई होगी। इसमें आपको वो तर्क सही नजर आता है? ये ऐसा लगता है कि जब आप कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड है और ये कहीं और ये नॉर्मल नहीं है, तो मतलब ये थिएटर जो है सीधे तौर पर फिर इसकी डायरेक्शंस बीजिंग से आ रही है? अब बीजिंग से आ रही है या उनके पीएलए हेडक्वार्टर्स या थिएटर कमांड से आ रही है, ये तो मैं नहीं बोलता, लेकिन लोकल कमांडर्स का एक्शन नहीं है। लोकल कमांडर्स का एक्शन एक स्पेसिफिक छोटे से इलाके में होता है, और जैसे मैंने बताया जब लोकल एक्शन होती हैं, अब आप देखिए, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पिछले साल लद्दाख में तकरीबन 500 ट्रांसग्रेशन हुए हैं, लेकिन तो ये लोकल लेवल पर पेट्रोलिंग होती है, लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, पर ये जो लोकल ट्रांसग्रेशंस हैं दे डोंट बिकम अ क्राइसिस, जिस तरह का सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड मूव्स अभी हुई हैं, डेफिनेटली इनका इनका कोऑर्डिनेशन, इनका ऑर्डर्स, इनका प्लानिंग काफी ऊंचे स्तर पर हुआ है, और हो सकता है मतलब इस तरह के एक्शंस जहाँ इंडिया और चाइना के बीच में इस तरह की क्राइसिस खड़ी हो जाए, ये तो हो नहीं सकता कि बीजिंग को इसके बारे में मालूम ही ना हो पहले से। सर, लेकिन आपने जो कहा कि ये भारत पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया कदम नजर आ रहा है, इसके पीछे ट्रिगर क्या हो सकती है? क्या जो ढांचागत एक तरीके से निर्माण कार्य चले हैं भारत की तरफ से एलएसी पर, अपने साइड पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है, और डोकलाम में जब स्टैंड ऑफ हुआ था तब हमने देखा था कि भारत ने ऑब्जेक्ट किया था कि चीन क्यों अपनी तरफ एक रोड का निर्माण कर रहा है, उसके बाद वो स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के जवानों के बीच में। क्या यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हालात आपको नजर आ रहे हैं कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए चीन एक तरीके से हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रैटल्ड होने वाली बात है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो जो डोकलम के आपने इंसिडेंट की बात की, वो रोड डिस्प्यूटेड टेरिटरी में बना रहे थे, इसलिए वहां पर वो स्टैंड ऑफ हुआ कि आप जो ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान चाइना, उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप रोड नहीं बना सकते। हमारे हिसाब से वो रोड भूटान की टेरिटरी में जा रही थी, तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट किया। जो हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो सब हमारे इलाके में हो रहा है, इसमें ये ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में इंडिया अपनी रोड बना रहा है। जैसे अभी ईस्टर्न लद्दाख में दरबुक शोक और डीबीए वाली रोड की काफी चर्चा चल रही है, ये रोड हमारे इलाके में है, काफी एलएसी से काफी दूर है और हमारे लिए ये बहुत अहम रोड है। कुछ ऑब्जेक्शन चाइना की तरफ से जरूर हैं, मेरे हिसाब से उनका अभी तक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है हमारे ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हो चुका है, तो अब वो चाहते हैं कि ये जो एडवांटेज उनका है ये एडवांटेज कायम रहे, और थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है कि इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी की तरफ बढ़ा रहा है, इससे हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट, पेट्रोलिंग, कंट्रोल एलएसी के ऊपर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप यू नो मैक्रो लेवल पर थोड़ा ऊंचाई के लेवल पर देखें,
मेरे हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करना उनका एक बहाना है। ये अभी जैसे वो अभी बहाने कर रहे हैं कि हमारे पेट्रोल्स को रोका गया इसलिए ये स्टैंड ऑफ हुआ, या इंडिया ने LAC को ट्रांसग्रेस कर दिया इसकी वजह से, ये जो उन्होंने मूव्स की है ये इसकी वजह से है। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेज, दे आर ट्राइंग टू पुट सम प्रेशर ऑन इंडिया, ट्राइंग टू कोअर्स इंडिया। मेरे हिसाब से इसमें बड़ी जियोपॉलिटिकल पिक्चर है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं कि आप ये मत समझिए कि कोरोना वायरस की वजह से चाइना कमजोर हो गया है, या जो US और चाइना के बीच में काफी तनाव चल रहा है उसमें आप US का साथ देंगे तो इस तरह की हम प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। ये सब मुद्दे मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी हैं। ये आपने बहुत दिलचस्प बात भी कही है सर, क्योंकि जिस पिछले हफ्ते ही जो अमेरिका की एक टॉप डिप्लोमैट है एलिस वेल्स, उन्होंने इनफैक्ट अपने एक ब्रीफिंग में एक तरीके से जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग द हैट, इंडिया यूएस की जो फ्लेयर, इंडिया और चाइना की जो फ्लेयर अप है उसमें अमेरिका ने अपना वजन डालते हुए ये कह दिया था कि वी कंटिन्यू टू सी प्रोवोकेशंस एंड डिस्टर्बिंग बिहेवियर बाय चाइना। तो ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम और आप चेस गेम के तौर पर देख रहे हैं, ना केवल सिर्फ और सिर्फ स्थानीय फैक्टर्स पर या ढांचागत निर्माण से आधारित। नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से ऑल दिस इज जियोपॉलिटिकली लिंक्ड एंड काफी जियोपॉलिटिकल चेयरनिंग हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस जब खत्म होगा तो चीन एक स्ट्रॉन्गर कंट्री इमर्ज करेगा, कुछ लोग बोलते हैं इट विल बिकम वीकर क्योंकि इंडस्ट्रीज वहां से मूव आउट हो जाएंगी, इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा। तो ये जो, और आप देख रहे हैं अगर आप चाइना का बिहेवियर देखिए, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया, साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं, हांगकांग में वो नए लॉज पास कर रहे हैं, ताइवान के खिलाफ काफी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स बढ़ाई जा रही हैं चाइना के अंदर। आप देख रहे हैं किस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन कर रहे हैं अबाउट ट्रेड। सो दिस एग्रेसिव बिहेवियर इज नाउ पार्ट ऑफ दैट पैटर्न की दिखाने के लिए कि देखो वी स्टिल मैटर इन द वर्ल्ड एंड अगर आप हमारे खिलाफ जाने की सोचेंगे तो हम आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तो ऐसे में मंगलवार को जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से कुछ बयान आए जिसमें कि बैटल प्रिपेयर्डनेस की बात की गई कि जंग की तैयारी करके रखें, इसका निशाना क्या आपको लगता है कि इसकी कुछ रैमिफिकेशंस ये वाले टेंशन को लेकर थी, या फिर वो ज्यादातर अमेरिका और ताइवान को लेकर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस पर शायद उनका संदर्भ था? नहीं, मेरे हिसाब से वो सबको मैसेज भेज रहे हैं, कोई स्पेसिफिकली कि US की तरफ डायरेक्टेड है या इंडिया की तरफ डायरेक्टेड है। आई थिंक इट्स अ लार्जर मैसेज टू द वर्ल्ड कि देखिए वी आर अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड हम तैयार हैं अपनी मिलिट्री पावर को अगर जरूरत पड़े तो यूज करने के लिए। बातचीत हो रही है कि अभी वो उनके दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो शायद साउथ चाइना सी में सेलिंग के लिए उनको भेजेंगे, तो इस तरह का मैसेजिंग जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि द इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं है ये सब डील करने के लिए, या कि चाइना इस तरह के थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजेगा तो इंडिया विल यू नो कम्प्लीटली एक्सेप्ट जो वो बोल रहे हैं। अगर आप पास्ट स्टैंड ऑफ देखिए, कोई भी ऐसा स्टैंड ऑफ नहीं था जिसमें चाइना ने मिलिट्री प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश की और पूरी तरह से वो कामयाब रहा। आप डोकलम देख लीजिए, आप उससे पहले चूमर देख लीजिए, देपसांग प्लेन्स देख लीजिए, अगर और पीछे हिस्ट्री में जाएं वांगडुंग देखिए 1986-87 में। चाइना के अटेम्प्ट कि हम मिलिटरीली प्रेशराइज कर लेंगे इंडिया को, दे हैव नॉट सक्सीडेड। सो आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। सर, तो ऐसे में लास्ट दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं। एक तो थोड़ा सा अगर दर्शकों को वो जो लोकल एरिया है, क्योंकि वहां पे ऐसे मीडिया की भी रीच नहीं है, जो भी खबरें आती हैं ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली जो है उसमें जाकर को जान, और बहुत सारे लोगों को वहां की टोपोग्राफी ज्योग्राफी भी समझ में नहीं आती होगी। हम जिस फिंगर 2 फिंगर 8 की बात करते हैं, गालवान को माना जा रहा था कि गालवान कम से कम सेटल्ड एरिया है जैसा आपने कहा कि वो अनडिस्प्यूटेड है, और उसमें इस तरीके की बातें होना वो चिंताजनक है।
तो क्या ये भारत की जो एक तरीके से स्टेटस को बनी हुई है उसे चैलेंज करने की बात है, और इस एरिया में एसेंशियल परसेप्शन जो डिफरेंस है वो अगर थोड़ा दर्शकों को आप समझा सके आपके? हाँ, तो जो दो एरियाज की बात हो रही है, पेंगोंग सो और गलवान की, तो पहले मैं पेंगोंग सो की बात करता हूँ। पेंगोंग सो एक लेक है जो कि तकरीबन 2/3 चाइनीज एरिया में है और 1/3 हमारे एरिया में है। अब जो डिस्प्यूट है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पेंगोंग सो के नॉर्थ बैंक से नीचे किस डायरेक्शन में आती है। तो पेंगोंग सो का जो नॉर्थ बैंक है उसमें हम बोलते हैं 8 फिंगर्स, मतलब जैसे एक पहाड़ी इलाका है, नकल मान लीजिए अपने हाथ के नकल, और वहां से कुछ स्पर्स नीचे को जा रहे हैं, मतलब जैसे दिखाते कि ये आपके नकल्स हैं और इस तरह से, तो यहाँ हाइट्स हैं और फिर इस तरह से स्पर्स नीचे जा रहे हैं, और इनको फिर हम नंबर करते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से 8 हैं उस एरिया में। हमारा मानना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 पर है जो कि ईस्ट में है, और चाइनीज का मानना है कि नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 पर है जो कि हमारी तरफ है। तो ये फिंगर 2 और 8 के बीच का एरिया मान लीजिए, यहाँ पर डिफरिंग परसेप्शन है, और यहाँ पर वो भी पेट्रोल करते थे, हम भी पेट्रोल करते थे, लेकिन फिंगर 2 और 8 के बीच में किसी ने कभी भी परमानेंट प्रेजेंस बंकर नहीं बनाया था। अभी बातचीत जो चल रही है कि चाइनीज आ गए हैं और वहां कुछ कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड एरियाज होता है उसमें आमतौर में पेट्रोलिंग तो होती है लेकिन कोई भी परमानेंटली वहां जाकर नहीं बैठ सकता। तो ये प्रॉब्लम है फिंगर 2 और फिंगर 8 में। गलवान नदी जो है वो चाइना से, तिब्बत से आकर और शोक नदी में मिलती है, जो शोक नदी हमारे एरिया में है, और शोक नदी के साथ साथ हमारी एक बहुत अहम रोड है, DSDBO रोड। तो ये रोड जो है गोल्डी जिसे हम कहते हैं, करेक्ट, तो ये रोड जो है तकरीबन जो गलवान एरिया है जहाँ LAC है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। और इस एरिया में कभी भी परसेप्शन का डिफरेंस या स्टैंड ऑफ पेट्रोल्स के बीच में नहीं हुआ है। तो अगर ये गलवान नदी की तरफ अंदर आ रहे हैं तो हम मानते हैं कि इतना अंदर तो नहीं आए होंगे, लेकिन ये एक एरिया है जहां से इंग्रेस होकर और जो हमारी मेन रोड है वहां तक पहुंच सकता है, तो स्ट्रेटेजिकली ये एरिया हमारे लिए जरूरी है। मतलब जो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक इंट्रूजन हमारे साइड पर हो गया होगा, वो आपको लगता है कि शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पूरी LAC की अगर स्ट्रेच को ही हम देखें? नहीं, इतना अंदर आना इतना मुमकिन नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत अंदर आ गए हों, लेकिन क्योंकि हमारे ट्रुप्स भी वही हैं, अलर्ट हैं, उन्होंने रिएक्ट किया होगा, तो ये जो बात हो रही है कि 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, मेरे हिसाब से उतना नहीं है। और कुछ पहले कुछ सैटेलाइट इमेजरी, एक ऑस्ट्रेलियन का स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजरी निकाली थी कि कहाँ कहाँ पर ये चाइनीज और हम हैं, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए। सर, बिल्कुल आखिरी सवाल है कि ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी जहां तक LOC का सवाल है वहां ब्लडशेड लगातार जारी है, कश्मीर में हम लगातार मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशंस देख रहे हैं, नेपाल के साथ सीमा विवाद जो है उसको लेकर अब तनाव बढ़ गया है, काला पानी लिपुलेख एरिया को लेकर, तो एक तरीके से जो तीनों के तीनों बॉर्डर एरियाज हैं उसमें कुछ ना कुछ इस वक्त दिक्कतें एक साथ चल रही हैं, तो इस वक्त सेना की चुनौतियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा होती है बॉर्डर्स के ऊपर, नॉर्मल टाइम्स में भी इस तरह की। LOC तो आपको मालूम है बहुत सालों से काफी हीटेड अप है, फायरिंग चल रही है, मिलिटेंसी कश्मीर के अंदर है, उसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं लद्दाख में भी ये इशू हो गया है। नेपाल का इशू मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिक इशू है, इतना सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है। आई डोंट सी यू नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं नॉर्दर्न कमांड में था, हमारी जो कैपेबिलिटी लद्दाख और कश्मीर में
इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी है उसको आप समझिए इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि अगर लद्दाख में कुछ हो गया तो हमको ट्रुप्स कश्मीर से निकालने पड़ेंगे, ILOC से निकालने पड़ेंगे। देर इज सफिशियंट कैपेबिलिटी लद्दाख सेक्टर में, इंडिपेंडेंटली काफी हमारी कैपेबिलिटी है और कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है। दोनों बॉर्डर्स को हैंडल करने की हमको काफी अच्छी क्षमता है, तो मुझे उस हिसाब से ये कोई वरी नहीं है या फिक्र नहीं है कि दोनों जगह कुछ हो रहा है तो शायद ज्यादा प्रेशर इंडियन आर्मी के ऊपर आ जाएगा, वैसा नहीं है। तो बिल्कुल आखिरी में आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि नेपाल के साथ जो मसला इस वक्त चल रहा है वो कूटनीतिक नजर आ रहा है, सियासी नजर आ रहा है, ना कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली। पर आर्मी चीफ ने हाल में जो बयान दिया नेपाल में कहते हुए, और एक तरह से संदर्भ जोड़ दिया कि नेपाल जो कुछ कर रहा है इस वक्त वो सीधे चीन के प्रभाव के तहत कर रहा है, इस तरह के बयान से आपको लगता है पेचीदगियां बढ़ जाती है जब वो आर्मी चीफ की तरफ से आते हैं? देखिए ये डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, तो आई थिंक बेस्ट इज इफ इट इज हैंडल्ड बाय डिप्लोमेट्स। अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, जैसे अभी थोड़ी बहुत हुई है, तो डिप्लोमेटिकली अगर ये चीज हैंडल करें तो वो अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर ये मसला क्या है, और जो इम्पोर्टेंट बातों को आपने अंडरलाइन किया कि ये निश्चित रूप से आम तौर के डाइग्रेशंस के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। जहां तक चाइनीज PLA का सवाल है, गंभीर मसला जरूर है, और खास करके जो अब तक जिन क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट नहीं थी, उन क्षेत्रों में इस तरह के वाक्यों का होना वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है इस पर दुनिया भर में पैंडेमिक के होने के बाद से, जहां चीन पर पूरा का पूरा ब्लेम गेम किया जा रहा है कि चीन से ही एपिसेंटर है, वहां से ओरिजिन हुआ है वायरस का, और अमेरिका और चीन के तनातनी के बीच में उसकी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स भी यहां पर नजर आ रही हैं भारत और चीन के इन सीमावर्ती इलाकों में। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल DS सूदा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और अगर आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े तो आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली में स्मिता शर्मा। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।